छिंदवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। आगामी त्योहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु पुलिस अधीक्षक मनोज राय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशांक गर्ग छिंदवाड़ा द्वारा दिए गए निर्देशों में कोतवाली पुलिस द्वारा निरंतर चेकिंग एवं आपराधिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है, जो इसी दौरान सूचना के आधार पर सतीजा पेट्रोल पंप के पास चंदन गांव छिंदवाड़ा में एक व्यक्ति भारी मात्रा में अवैध हथियार व विस्फोटक पदार्थ लेकर किसी व्यक्ति को देने के इंतजार में खड़ा हुआ था। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई और संदिग्ध अर्जुन सिंह बंसीवार निवासी ग्राम मेघा सिवनी हाल ही में त्रिलोकी नगर छिंदवाड़ा में किराए के मकान में रहता था, जिसके पास से एक बैग में रखे रिमोट संचालित विस्फोटक करने की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिलेटिन रॉड, कोडेक्स वायर डेटोनेटर, बारूद, दो बंदूक, जिंदा कारतूस, चाकू, तलवार एवं चोरी की मोटरसाइकिल सहित अन्य सामानों के साथ पकड़ा गया। पुलिस आरोपी के अन्य साथियों की तलाश में जुटी, वहीं आरोपी के विभिन्न धाराओं में आरोप पंजीबद्ध किया गया। सीटीएन भारत से रोशन सिंगनापुरी की रिपोर्ट, छिंदवाड़ा। लूट का प्रयास हुआ था, जिसमें कुछ संदेहियों के नाम आए थे। उनकी पता रसी में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति का प्रकाश में है, जिसको कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की गई, पूछताछ के बाद उसके घर की तलाशी ली गई। तलाशी में बड़ी मात्रा में वहाँ पर अवैध सामग्रियाँ मिली, जिसमें डेटोनेटर, गिलेटिन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रिमोट कंट्रोल डिवाइस थी, साथ ही वहाँ पर बारूद मिला, वायर वहाँ पे प्राप्त हुए हैं, 315 बोर का कट्टा कारतूस के साथ एक नकली पिस्टल एवं एक मोटरसाइकिल भी वहाँ पर प्राप्त हुई, जो चोरी की थी। इस पूरी सामग्रियों का जब के बारे में इससे पूछताछ की गई तो पता चला कि आरोपी मूलतः आगरा का रहने वाला है। पिछले कई सालों से मेगा सिवनी थाना कुंडीपुरा क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रह रहा था। ये पूरी सामग्री, विस्फोटक सामग्री और उससे जुड़े हुए सब सामान उसके द्वारा धौलपुर राजस्थान से लाया जाना बताया है। इसकी ससुराल जिला बालाघाट में है। दोनों कनेक्शनों पर हम लोग इससे बारीकी से पूछताछ कर रहे हैं, साथ ही इसके पास से एक मोटरसाइकिल चोरी की मिली है। अन्य भी मोटरसाइकिलों के बारे में पता चला है, जिसके बारे में यहाँ के कुछ लोकल लोगों के साथ और बाहर के कुछ साथियों के साथ मिलकर वारदात कर रहा था। इसके कब्जे से एक नक्शा भी प्राप्त हुआ है, जिसमें शहर के कुछ ज्वेलर्स के नाम लिखे हुए थे। पूछताछ में ये पता चला है कि निकट भविष्य में उनके साथ कुछ घटना करने की भी इसके गैंग द्वारा संभावनाएं थी। उस बारे में भी हम लोग बारीकी से पूछताछ कर रहे हैं। आरोपी अर्जुन के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम और आर्म्स एक्ट का प्रकरण थाना कोतवाली में पंजीबद्ध किया गया है। इससे पुलिस रिमांड लेकर न केवल इसके यहाँ के स्थानीय साथियों बल्कि बाहर के जो इसके साथी हैं, राजस्थान और बालाघाट के जो इनके जिनके संपर्क में हैं, उस बारे में भी विस्तार से हम लोग जानकारी लेंगे।